अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज नया दिन नया वॉक और आज है तारीख 16 सितंबर, 9:21 हो रही है। एक्चुअली काम बहुत थे सुबह सुबह। सुबह उठने का फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो जो आप शॉप पे बैठ के नहीं कर सकते, और नए नए क्रिएटिव आइडियाज़। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का एहसान है, हमारी कोई ताकत नहीं है। ये तो अल्लाह जिसको तौफीक दे दे, हिदायत दे दे, या जो भी A to Z अल्लाह ने जो जिस पे अल्लाह एहसान करते हैं वो सुबह फजर की नमाज़ उठ के पढ़ लेता है, और बहुत सारी कामों की अल्लाह जिसे तौफीक दे देता है। ये देखो सारा का सारा अल्लाह ही करवाते हैं। तुम सिर्फ सोचते रहो, पर जब अल्लाह तौफीक दे दिए ना तो तुम्हारी सोच और समझ सब फेल है ऐसा। तो सुबह उठने के बाद हम गए थे स्कूल पे बच्चों को छोड़ा। तो दो दिन से मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल पे। देखो ऑल्टरनेट, कभी मैं छोड़ देता हूँ, कभी अब्बा छोड़ देते हैं, कभी भाई लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसा है। बट आज मैं जब छोड़ के आया, कल भी छोड़ के आया, तो मैं स्कूल वाले का नहीं, जो बच्चे हैं जो पैदल चल के जा रहे थे उनका एटीट्यूड देख रहा था। मतलब कैसा एटीट्यूड, मतलब जैसा वो लोग चलते थे, मतलब वो लोग जैसा चल रहे हैं ना स्लोली, ऐसा इनकी इच्छा नहीं हो रही जाने को स्कूल ऐसा। तो ये सारी इच्छा धाराएं हमने भी की थी, ये हम याद रिकलेक्शन आ रहा है ना, सब आदमी को रिकलेक्ट हो रहा है। और आजकल मैं बहुत सबको नोटिस कर रहा हूँ, नहीं ये नोटिफिकेशन वाला तो मेरा बहुत पहले से ही है, बट आज ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं सारे लोगों को नोटिस बहुत कर रहा हूँ। नोटिस कर करके सब बताता हूँ ना, नोटिस करना पड़ता है। अब डेली व्लॉग ऐसे ही नहीं बनते ना भाई लोग, डेली व्लॉग के लिए आपको नोटिफिकेशन बनना पड़ेगा, ऐसा गूगल बनना पड़ेगा कि भाई क्या कुछ है, क्या याद रहेगा क्या। तो हर चीज़ नोटिस कर लेता हूँ ताकि मेरे को व्लॉग बनाने के टाइम पे याद आ जावे। तो ऐसा है, तो मैं बहुत सारी नोटिफिकेशंस के बाद, बहुत सारी नोटिस बातों को नोट करने के बाद ये व्लॉग्स बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। हाँ बाकी अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने क्या नोट किया कि कल जा रहा था तो एक छोटी लड़की नहीं थी, शी वॉज इन अराउंड 10 to 11 or 12, वो थी, वो जा रही थी पैदल धीरे धीरे। और आज एक लड़के को देखा जिसकी शायद से वो दाढ़ी आ गई है, मतलब ही वॉज शेव्ड, मतलब उसने शेव किया हुआ था। तो है मतलब 16-17 साल का लड़का होगा, 12वीं 11वीं का 100% रहेगा, क्योंकि उसने शेविंग करा रखी थी। तो इससे अपने को पता चला, मतलब वो लोग जब चल रहे थे ना, हमको कुछ याद आई बातें कि हम भी ऐसे पैदल जाते थे धीरे धीरे, ऐसा एटीट्यूड में, ऐसा बैगों को हिला के धीरे स्लोली। तो ये कब होता था मालूम, जब हम लोग को स्कूल जाने का नहीं रहता था तब, मतलब बंक मारने का है या नहीं जाने का है कि लेट पहुँचेंगे तो स्कूल वाले खुद ही भगा देंगे। तो ये सब स्क्रीनशॉट हमारी बहुत रहती थी, स्क्रीनशॉट हमारी बहुत रहती थी कि हम स्लोली जाते थे। तो ये रिकलेक्शन ऑफ माइंड आ रहा है। ये इन बच्चों को देख के ना, सुबह मैं इन लोग को देखता हूँ ना, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद आती कि नहीं भाई अपने भी ऐसे थे। बट इसमें मेरा कहने का मतलब ये है, देखो अपने जो मेरे, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स कौन है, मेरे ही लोग हैं जो मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस देख के वो लिंक पे क्लिक करके देखते हैं मेरे व्लॉग्स, चाहने वाले अल्लाह का शुक्र है। तो हमारे चाहने वाले में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे बच्चे यंग गन्स ऑफ इंडिया, उनको मैं मुखातब, एंड आई वॉन्ट टू फेस द फेस एंड टेल देम कि भाई मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि जो भी आप कर रहे हो, देखो मुझे पता है ज़िंदगी में ये स्किल्स और टैलेंट से बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये जो लम्हे हैं, जो पढ़ाई लिखाई के लम्हे हैं, वो कभी नहीं आएंगे। हाँ आप इंजॉय भी करो, बट जब आपको पढ़ने लिखने के लिए भेज रहे हैं ना माँ बाप, तो कम से कम हम पढ़ ले। बाकी फिर क्या है, बाद में पछतावा नहीं हुए, फिर लोग ताना नहीं मारे, लोग क्या माँ बाप ही ताना नहीं मारे, तेरे को तो मैंने बोला था तू पढ़ा नहीं। देखो इनकम का सोर्स कुछ भी हो सकता है, लोग है ना स्कैम करके भी इनकम करते हैं, और मेहनत करके भी इनकम करते हैं, लारी चला के भी इनकम करते हैं, जॉब करके भी इनकम करते हैं। बट ये जो आपका दौर चल रहा है ना पढ़ाई लिखाई वाला, ये 10वीं 11वीं 12वीं वाले जो अपने लोटा लोटीज है ना, लोटाज एंड